सम्मानित मीडिया के साथियों, आप सब बहुत शॉर्ट नोटिस पे और यहाँ के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल जी के आग्रह पे यहाँ बहुत शॉर्ट नोटिस पे पहुँचे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये अलायंस आज का अलायंस नहीं है, ये अलायंस बहुत दिन पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम जी के नेतृत्व में हुआ कि किसान, कमजोर, नौजवान, महिला, उनके हकों की आवाज़, उनकी लड़ाई को लड़ा जाए। अब लोकतांत्रिक स्थिति में हनुमान जी बेनीवाल लंबे समय से इस क्षेत्र को की समस्याओं को लड़ रहे हैं और कहीं कोई ऐसा मौका नहीं जहां बीजेपी कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने हुए थे जनता के हितों के लिए, वो लड़ाई को मैदान में लड़ रहे थे। इसके लिए वो धन्यवाद के भी और उनकी पूरी टीम, हम उनका दिल की गहराई धन्यवाद करते हैं कि वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। अब ये लड़ाई क्योंकि इलेक्शन का दौर आ गया और आगे बढ़े, ऐसे व्यक्ति को जो बिना स्वार्थ जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ के मौका मिले नेतृत्व करने का, इसकी जिम्मेदारी भी जनता के ऊपर है। पिछली बार 80 लाख से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जनता ने दिया, 80 लाख लोग वो, और प्लस जिन लोगों को अब हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग मन से तैयार हैं कि भाजपा और कांग्रेस की सरकार के से मुक्ति चाहते हैं और नए लोगों को आगे बढ़ के काम करते देखना चाहते हैं, चाहे वो नौजवान हों, महिलाएँ हों, किसान हों, मजदूर हों, और राजस्थान की वो सम्मानित जनता जिनका विश्वास है लोकतंत्र में, जो बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, उनको जोड़ के आने वाले दिनों में एक बड़ी शक्ति हम लोग यहाँ बनाएंगे। 29 तारीख को आरएलपी के स्थापना दिवस पे एक बड़ी रैली भी जयपुर में रखी है, मैं खुद भी उसमें शामिल रहूँगा और हमारे बड़े पैमाने पर हमारे कार्यकर्ता, नेता और समर्थक भी उस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। वो एक रैली ही राजस्थान की बहुत बड़ी जो शक्ति बनने जा रही है उसका प्रदर्शन करेगी और उसके बाद भी हम लोग बहुत सारी रैलियाँ करेंगे। ना मैं टिकट सीटों में हमें कोई किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट है, ना और कोई, पर एक ही हमारी तमन्ना कि राजस्थान सुरक्षित हाथों में रहे, राजस्थान की जनता को उनके अधिकार मिले और जो वंचित तबकों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएँ हों, जो शोषण हो रहा है वो बंद हो, और वो शोषण तभी होगा जब काम लेने वाले हाथ मजबूत हों। हनुमान जी बेनीवाल के हाथ बहुत मजबूत हैं और हमारे साथी उनको इस लड़ाई में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं उनकी पूरी पार्टी का, उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूं, आज़ाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का, भीम आर्मी के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं और मुझे आशा विश्वास है कि आज से जो संदेश आपके जरिए जाएगा, कल से जो मनोबल बढ़ेगा, उसका परिवर्तन जो है वो आपको कल से दिखाई देगा। राजस्थान में बहुत सारे लोग जो आशा और उम्मीद के साथ बैठे हैं राजस्थान में परिवर्तन हो, वो इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए अगर साथ आएंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे, लेकिन ये मोर्चा एक नया इतिहास लिखेगा राजस्थान में और किसान का मेरे नौजवानों को, महिलाओं को, जो शोषण और परेशानियाँ उनके सामने हैं, वो उनकी उनसे मुक्ति मिलने काम हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अब कोई सवाल हो तो बताओ। आने वाले समय में हनुमान और रावण एक साथ दिखेंगे चुनाव, इस पे मुकदमा हो जाता गलत शब्द कहने पे तो हनुमान जी बेनीवाल खुद से इतने मजबूत हैं जिन्होंने हमेशा साबित किया और वो लड़ते हुए जाति धर्म नहीं देखते, इससे मैं उनका उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ और हमारे साथियों का भी ये मन था कि ये लड़ाई, अब जो लड़ाई वो अलग अलग लड़ रहे थे, अब मिलकर लड़े कि वोट में बंटवारा ना, तो जो बटा हुआ वोट है आप देखना वो इकट्ठा होके इस अलायंस को मिलेगा। और एक मैंने फिर कहा कि इस बार चीफ मिनिस्टर ये अलायंस ही तय करेगा और चीफ मिनिस्टर आपके बीच में बैठा हुआ, इसका बहुत जल्द जो है जब जनता वोट करेगी आपको पता लग जाएगा। वो उनको उनमें उम्मीद देख रहे हैं भविष्य की आपके हिसाब से, और हम उनके साथ खड़े आपके हिसाब से, यहाँ हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल है और हम इनके पीछे खड़े होकर यहाँ का चुनाव लड़ाएंगे और इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि जो लोग बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें भी आगे बढ़ के कुर्सी संभालने का मौका मिले, उनकी उम्मीदों को पंख लगेंगे। आजाद पार्टी की ओर से सीएम बेनीवाल साहब को बोल रहे हैं, बहुत जल्द बता देंगे, 29 तारीख की रैली में आप लोग आना, आप सबका स्वागत है। गठबंधन 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, 200 पे लड़ेगा।